कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले, एक ओर राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं।